किसान तो हर तरफ से मार झेल रहा है, ऊपर से तो बरसात नहीं हो रही है, कुओं से पानी सिंचाई करके कुछ कर रहा है तो उसको भी चौपट कर दिया खेती में। मांग क्या करें, हम तो दो पैसे कोई रोजगार भी नहीं है हमारे पास, लेकिन टिड्डी का तो कोई इलाज नहीं है। ये कर सकती है तो गवर्नमेंट कर सकती है। शर्मनाक बात है सरकार के, वो तो अपने ऐसे रूम में बैठे हैं, उनको क्या पता है। गवर्नमेंट दे रहे हैं उसको 70-80 लाख रुपए, 100 लाख रुपए, किसान का एक पैसा नहीं पैदा हो रहा। ये मतलब कि थाली बजान की वजह भाई के जो मतलब बाजार और लगातार तो छाला पड़ रहे हैं था में। जो सुने पहले जो छोटा टाबर है उसी टाइम आई थी, रात को पड़ाव भी दिया, अंडा दिया, फाका चला तो खाई खोद के खेता में शिकार के खाई में गिरा करता। टिड्डियों बचने के लिए किसान है जो उपाय कर रहे हैं कि आपके खेत में जो भी टायर वगैरह हैं वे भी जलाओ हैं ताकि जो टिड्डियों बचो जा सके। हालांकि जो अभी था दिखाना चाहूँ कि फसल है बाजरो है जो खड़े है, लेकिन बिने जी साबू ऊपरों बाजरन कटक रहे भी साबू भी की कटाई के रूप में देखा तो ऊपरों काट रहे क्यों है। किसान ही सतर्क बैठे हैं खेत में कि अगर जो टिड्डियों को अगर आकर टिड्डी अगर कोई साइड आवे भी ही तो तुरंत प्रभाव पीपा और जो पीपा वगैरह लेके या पटाखा वगैरह लेके तैयार ही कि अगर कठिन भी टिड्डी आती माने दिखे हैं या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो भी अगले टिड्डियों बचाव करने की कोशिश करें। किसान ही जो अपने साथ जुड़ रहे हैं भी आप बातचीत कर सकें कि कद्दू जो है जो टिड्डियों को अभी आक्रमण अठे हो रहे हैं। हाँ जी, कौन सा गाँव आया अभी? फतेहपुरा 3 दिन से अरे बराबर काल तो यहाँ ही। हाँ। 2 दिन गांव के उड़ली साइड। हाँ। 3 दिन से आ रही है। 3 दिनों आ रही ही। हाँ। तो के उपाय करो थे कि मतलब टिड्डी आओ जी टाइम की बचाव की तरीका करो के कोई प्राती है कोई थाली है कोई पीपा है वो बजा के एक बार उड़ावा फिर वापिस बैठ जा उड़ावा वापिस बैठ जा 15 मिनट जहाँ ठोट बैठी रहेगी कोई नहीं उड़ाएगा ना साफ साफ कर देगा साफ कर देगी जल्दी से बैठते हैं उठाते हैं बात पर दो बच जा मतलब तो पड़ाव तो अभी तक पड़ाव को अभी तक पड़ाव ले दिया जो मेन कर बात करें अभी खतेपुरा में अभी पड़ाव कौन दियो लेकिन खतेपुरा का करने जो आप कुलोद की बात करें। हाँ। कुलोद में पिछला 4-5 दिनों लगातार टिड्डी आ रही है और बठे है जो कि रात में भी पड़ाव डालो जब टिड्डी आवे या फिर कोई जो अपना कृषि विभाग है या फिर कोई थे बातचीत करी के अभी कोई शिकायत करी के अभी कोई को न्याय हो रहा तो शिकायत तो मैं तो करी को ना गांव की तरफ कोई करे हो तो मालूम नहीं मैं कोई देखभाल को नहीं होगी कि भी ना कोई को नहीं क्या नुकसान मेन रूप क्या क्या ज्यादा नुकसान पहुंचा रही टिड्डी अपने बाजरे ने वोट गुआर ने कपास ने पेड़ पर जो बैठे पेड़ तो पेड़ भी इतना खा रखे हैं जो मतलब कच्ची जो आप मतलब कच्चू कच्चू है जो मतलब कच्चो, जो कच्चो। अभी अंकुरित हो रहे हैं बिन ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है टिड्डी और रात पर लटती है इतना लोंगी कौन छोटेगी। अच्छा रात पर लटना पड़ी मारे। हां जी 1.5 घंटा ही है 1.5 घंटा 3 किलोमीटर के दायरे में रात में पड़ाव था। हां ना एक तो हमारे पास पहाड़ है उसके पीछे पड़ाव था एक यहाँ चंद्रपा साइड में जोड़ है उसमें पड़ाव था और एक इंडाली के ढाब में पड़ाव था। तो जिस टाइम पड़ाव हो जिस टाइम तो प्रशासन को पता है सब गांव वाले सूचना भी कर देते हैं लेकिन अभी तक कृषि पर्यवेक्षक ये बोल देते हैं कि आपके यहाँ आए तो हमारे सूचना देते हुए नहीं आ रहे। कल ओला ढाणी में बोल रहे थे हमारे पास सूचना ही है कि रात को आएंगे ट्रैक्टर लेके आएंगे स्प्रे करेंगे ये करेंगे वहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ अभी तक कोई काम नहीं हुआ अभी समस्या है। आवारा पशु समस्या था आवारा पशुओं के कुछ क्या है कि बाढ़ की है रात में रात निगह रखते हैं कुत्ते पाल रखे हैं उसके कुछ तो निगह कर ले टिड्डी का क्या कर ले तो क्या है कि कहीं एक कैरी खा जाए दो कैरी खा जाए चेत हो जाए उसको भगा दें रात को निगह भी रख ले लेकिन टिड्डी का तो कोई इलाज नहीं है। ये कर सकती है तो गवर्नमेंट कर सकती है लेकिन गवर्नमेंट कोई भी उसका नहीं है यार भी बेरू कह रहे तो नए खादपुर की तरफ आ रही है पुराने खादपुर की तरफ आ रही है। जो अभी थाने दिखाना चाहूँ कि किसान ही एक दूसरा किसान ने फोन पर इन्फॉर्मेशन दी ही हालांकि सरकार की जो अपना प्रशासन की बात करा कृषि विभाग की बात करा बिकी और कोई अन्य सूचना कौन दी जा रही कोई यहाँ की मदद कौन करी जा रही तो सरकार को रिक्वेस्ट है कि जो कोरोना ने छोड़ के और भी जो समस्या आ रही वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और किसानों के लिए थोड़ी मदद करी जाए। हालांकि फोन पर एक दूसरा गाँव में जो फैल हो रहा है जी धंधा नहीं कर सकते खेती पे आधारित बाहर कहीं मजदूरी करने गए थे वो भी सब लोग आगे खेती में लगे अब खेती में लगे हुए हैं मजदूरी चल नहीं रही है तो क्या करेंगे। मैन जो अब बात करें कि बहुत बड़ी जो समस्या निकल के आ रही है टिड्डी कहें भी करके कोरोना अगर थोड़ा बहुत जो भी बचाव कर रहे हैं लेकिन टिड्डी के लिए किसानों के लिए समस्या आ रही है कि बचन का बगन उपाय को नहीं उपाय अगर पटाखा और जो थाली प्रात बजा के अगर यो एक उपाय है तो यो एक परमानेंट उपाय को नहीं कितनी देर कर लेंगे
दिन भर में नहीं बटर तसले फोड़ दिए कल फूट गया मतलब हाँ दिखा नहीं वो तो प्रूफ है अपने पास पड़े हुए हैं दिखा दूंगा मैं ये देखो ये मतलब कि थाली बजान की वजह भाई के जो मतलब बजा रहे हो लगातार तो छाला पड़ रहे हैं था में समस्या है कि एक तो खुदाई करें बिक मान छाला सुने ही कि मतलब खेत में अगर खुदाई करे हैं या फिर जो आपने निराई गुड़ाई हुआ भी टाइम चल रहा है तो छाला पड़ जाए लेकिन टिड्डन भगाण के लिए छाला पड़ रहे हैं तो एक गति बड़ी समस्या है जो निकल के आ रही है एक शर्मनाक बात है सरकार के लिए सरकार को रिक्वेस्ट है अपने अपना पेट के स्वार्थ कर रहा है वो जो आगे जीत के चले जाते हैं वो अपना स्वार्थ हासिल करते हैं किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है कोई भी ये बोलते हैं अपने पास तीन ट्रैक्टर है चार ट्रैक्टर है सूचना दो तो सूचना यही है ये तो है नहीं कि प्रशासन भी उसके पीछे लग सकती है कि भाई किधर जा रहे हैं रात को कहाँ पड़ा हुआ है तो ये जो आप बात करा ये टाइम हालांकि सुना जो आवाज़ भी सुन रही है कि टिड्डी वगैरह आ रही है तो परात वगैरह या फिर पटाखा वगैरह फोड़ा जा रहे हैं बिकी भी आवाज़ सुन रही है हालांकि कोल आके एक दूसरा ने अजी तो अभी थारी उम्र की क्या बात करें कितनी उम्र होगी 70 साल सत्तर साल की होगी तो 70 साल में पहली कदी को जो सुने पहले जो छोटा टाबर उसी टाइम आई थी रात को पड़ाव भी दिया अंडा दिया फाका चला तो खाई खोद के खेता में शिकार के खाई में घेरा करता जो छोटा हटाबर स्कूल में जाएगा तो उसी टाइम चला 40-45-50 साल में था ही पहली बार पचास साल में को नहीं मतलब 50 साल में पहली बार थे अभी देखिए हाँ। तो जी टाइम के उपाय करे हा क्योंकि जी टाइम के उपाय करे यही बजा खेता में बजा बजा के उड़ावता रात में पड़ी रहती सुबह अंडा देती 5-7 के बाद फाका छोटा बच्चा निकल जाता वो फसल के बाहर के खाई खोदता उस खाई में शिकार के रे 100 साल तो वो भी गमा घेर देता खाई गमा बाबू नुकसान भी जी टाइम भी खूब नुकसान करती होगी आपकी तो जी टाइम नुकसान तो करे ही ऐसे कड़े ही लेकिन अभी ये टाइम देखा तो आपने एक बार अंडा कौन दे रही है अभी तो थोड़ा यो बचाव है कि अगर पड़ाव भी कर रही है पड़ाव कर रही है तो अंडा देगी 5-7 दिन के बाद उसका बच्चा निकलेगा फिर के ऊपर बैठी है नीचे चूच डाली पीछे से अंडा दे दी तो अभी जो अब सरकार ने अगर आपकी जो आ रही है उपाय की तरीकों करो जाए बचाव सरकार जहाँ से उठती है वहाँ से चलता है भाई जिस एरिया में जाती है वहाँ अलाउ किया जाए कि भाई घर से बाहर से निकले ऊपर से स्प्रे हो रही है तो किसान पब्लिक वो अपने घरों में बढ़ जाए ऊपर से स्प्रे हो जाए या रात को जहीं पड़ाव दे रखा वहीं पे स्प्रे हो जाए ये ऊपर से स्प्रे होगा तो इसका बचाव होगा और यह ट्रैक्टर सूचित किया प्रशासन सूचित करे तो गांव-गांव के ट्रैक्टर मशीन है तो ट्रैक्टर हट गया फसल नहीं ये यदि ट्रैक्टर से गांव में छिड़के जाएंगे तो कहीं फुहारे लगे हुए हैं कहाँ कहीं कुछ लगा हुआ खेती पूरी बर्बाद वैसे भी हो रही है और वो और टूट जाएगी ये तारबंदी है एक खेत से दूसरे खेत एक खेत से दूसरे खेत में बढ़ नहीं सकते वारा पशुओं के लिए सबने टारगेटिंग कर 1.5 घंटे रुकी है यहाँ कम से कम 1.5 घंटे रुकी ही तो जी टाइम पापिन की तरीका उड़ाई कैसे डीजे से डीजे भी बाजा सा बजा गई है डीजे डाजे पीपा पापा बजा गई इसे बजा के बिगा बाद में उड़ाई भी डीजे से उड़ गई मानो कि उड़ गई ना ना डीजे कहाँ मिलेगा वो अपनी डीजे वाला एक है 10 किलोमीटर के दायरे वो अपना खेत बचाएगा दूसरे किसान का खेत बचाएगा जो अभी दिखावा कि सिर्फ जो फसल है कि ये टाइम अंकुरित हो रही है तो बिन एकदम पूरी तरीके का नुकसान है जो पहुंचा दिया गया है कि देखा सिर्फ डंठल डंठल है जो हालांकि छोड़ रखे ही जो फसल है चूड़ा की फसल की बात करा तो ई टाइम ई कमान चूड़ा ही बाजरा है यो एक अंकुरित हो रहे हैं ई टाइम जो अपना खरीफ की फसल है अभी की बुआई भी चल रही है बहुत सी जगह और बहुत सी जगह है कि अभी निनान स्टार्ट हो रही है तो बिकमान फसल है सिर्फ उगी है तो उगता ही देखा तो बिकमान टिड्डी पड़ता ही बिना एकदम पूरी तरीका खत्म कर रही है अभी का पत्ता वत्ता बिल्कुल ही कौन छोड़ रही तो इकमान यही है कि सरकार रिक्वेस्ट है कि कहें भी करके प्रशासन है एक ऊपर ध्यान रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन तक भी वीडियो पहुँचे और वीडियो के बाद में अगर हो सके तो प्रशासन एक ऊपर थोड़ा सा संज्ञान लेके तुरंत प्रभावों जो भी आदेश निकले तुरंत प्रभावों आदेश निकाल के है जो इस समस्या को समाधान करवाया जा सके अगर अभी तक थे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और करने जो घंटी सी है यह भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले को नोटिफिकेशन था ना तुरंत मिल जाए जय झुंझुनू जय राजस्थान जय हिंद।